होते हैं जो हम खुली आँखों से देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं। लोग सपने देखना तो जानते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करना नहीं जानते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए एक ताकत होनी चाहिए, एक नई उमंग होनी चाहिए, एक नया जोश होना चाहिए। एक शख्स के साथ ऐसा ही होता है जो अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, और एक दिन वो भी आ जाता है जिस दिन वो अपने माता पिता का सर ऊंचा कर अपने माता पिता का सपना पूरा करके दिखा देता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है। जो इंसान इतना पढ़ता है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिन हो रहा है, कि कब रात हो रही है। जी हाँ, उस शख्स की कहानी आप भी सुनेंगे तो यही कहेंगे, हाँ ये कहानी सच्ची और मोटिवेशन है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सत्यन अहमद सैफी, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। इस कहानी को आप लोग ध्यान से पूरा जरूर सुने। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, इनके परिवार में इनकी माता जी, इनके पिताजी और ये अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था, और जब इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था तब इनके माता पिता जी ने एक सपना देखा था कि हम अपने बेटे को मन लगा कर के पढ़ाएंगे, जितना हम पढ़ा सकते हैं हम अपने बेटे को उतना पढ़ाएंगे। उनका बेटे की यही तमन्ना होती है कि मैं भी अब अपने माता पिता का सपना पूरा करूँगा, और उनके माता पिता के मन में भी यही तमन्ना होती है कि हमारा बेटा बड़ा होकर के एक बड़ा अधिकारी बने। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे वो बड़े होते रहते हैं, एक से जब 2 साल के होते हैं तब उनके माता पिता गोपालगंज के बिहार को, छोटे शहर को छोड़कर के अब वो इंदौर में आ जाते हैं अपने बेटे के साथ। अब उनकी पढ़ाई इंदौर में ही शुरू हो जाती है। अब इंदौर में वो मन लगा कर के पढ़ाई करते हैं, और उनके पिताजी भी एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, और जो उनकी तनख्वाह मिला करती थी वो उनको शाम को मिला करती थी, और जो लोगों को पेट्रोल दिया करते थे उसके पैसे मिला करा करते थे वो उनको शाम को मालिक को देने हुआ करता करते थे, और वो अपने मालिक को दिया करते थे। तब उनके मालिक जो उनको पैसे दिया करा करते थे तब उनसे उनके घर का खर्च चला करा करता था, और उनके बेटे की पढ़ाई हुआ करती थी, और उनके बेटा भी मन लगा करके पढ़ाई किया करा करता था। जब वो अपनी शुरू में स्कूल गए थे तब उनको कुछ नहीं आता था, तब उनकी टीचर ने उनको सब समझाया, प्यार से समझाया, तो उनके समझ में आया और उन्होंने समझा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, और वो धीरे धीरे बड़े होते गए और अपने क्लास में टॉप करते रह गए और अव्वल आते रहे। अब धीरे धीरे वो बड़े होते चले गए। अब जब उन्होंने अपनी 10वीं की क्लास की परीक्षा दी तब उनके 81% अंक लेकर के आए, और 12वीं की परीक्षा में भी यही हुआ कि वो अपने पूरे क्लास में टॉप करके 81% अंक लेकर के आए। तब उनके माता पिता और वो बहुत खुश थे, और उनके प्रिंसिपल भी बहुत खुश थे कि आज हमारा स्टूडेंट एक 12वीं की क्लास में टॉप कर गया है, एक 12वीं की क्लास में। तब सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब उनका बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जैसे कि जैसे मैं जब अपनी पढ़ाई किया करता था छोटेपन पर, तब आप ये नहीं देखते थे कि घर का आज चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, बस मेरी पढ़ाई पूरी होगी या नहीं, बस आप यही सपना देखा करते थे। आज मैंने आपका वो सपना पूरा कर दिखाया है, अब आप घर बैठेंगे और मैं अपनी नौकरी करूँगा, और आप वो पैसे अब खर्च करेंगे। अब वो अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब उनको नौकरी भी मिल जाती है, और जब वो उस नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं तब वो इस इंटरव्यू में भी सफल हो जाते हैं और उनको नौकरी भी मिल जाती है। अब वो अपनी बहुत अच्छे से नौकरी करते हैं और उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। तब उनकी अब पहली सैलरी आती है, यानी कि उनकी पहली तनख्वाह आती है। तब वो अपनी तनख्वाह पहली अपने माता पिता को देते हैं। तब उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे बेटे की पहली तनख्वाह आई है।
अब हम इनका कुछ नहीं करेंगे बल्कि हम अपने बेटे के ये पहली सैलरी जमा करेंगे कि उसके आगे के लिए काम में आए। तब जब दूसरी सैलरी आएगी तब हम उसको खर्च करेंगे, तब उस सैलरी को रख देते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी दूसरी सैलरी आती है, तब वो लोग उसको खर्च करते हैं। अब वो धीरे धीरे, अब समय बीतता जाता है, तब उनके मन में एक दिन विचार आता है कि क्यों ना अब मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम इतिहास में भी दर्ज हो जाए और दुनिया हमें वर्षों तक याद भी रखे। तब वो अपना एक सफ़र बना लेते हैं कि अब मैं कुछ देश के लिए करूंगा, देश की सेवा करूंगा, जो कि लोग मुझे याद रखेंगे और मेरे माता पिता का सर भी ऊंचा होगा। तब वो अपना सफ़र के लिए अपना सफ़र ठान लेते हैं कि अब मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तब वो घर आकर के नौकरी से आने के बाद तब वो अपने माता पिता से राय लेते हैं कि माताजी और पिताजी, मैं एक परीक्षा देना चाहता हूँ कि आप ये इस परीक्षा से आप लोगों का भी नाम होगा और मुझे भी दुनिया वर्षों तक याद रखेगी और मेरा नाम इतिहास में भी दर्ज होगा और आप लोगों का सर भी ऊंचा होगा। तब उनके माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब तुम जो कर रहे हो वो ठीक ही होगा। तब उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक से अपनी तैयारी करो और करो, जो भी खर्चा आएगा वो हम तुम्हें देंगे। तब वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो अपनी सफ़र तय कर लेते हैं। अब वो अपना सफ़र पर निकल जाते हैं। अब वो घर पर रह कर के पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं। तब वो अपने देश की राजधानी दिल्ली में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तब वो वहाँ पर मन लगा कर के तैयारी करते हैं और बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं। अब वो धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, अब उनके पास सारे जो उनके पास पैसे होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब वो अपने पिताजी के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि पिताजी मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तब उनके पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ख़त्म हो गए हैं, अगर हमारे पास होंगे तो हम दे देंगे, वरना हमारी जो ज़मीन है हम उसको बेच करके तुम्हें पैसे दे देंगे। तब वो मना करते हैं कि कहते हैं पिताजी आप उस ज़मीन को मत भेजिए, वो हमारे पुरखों की ज़मीन है, आप उस ज़मीन को मत बेचिए, जबकि वो हमारे पुरखों की ज़मीन है, आप उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन उनके पिताजी तब भी नहीं मानते हैं और उस ज़मीन को बेच देते हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं वो अपने बेटे को भेज देते हैं। अब उनका बेटा कहता है कि आपने पिताजी इतने सारे पैसे कहाँ से करके मुझे दिए। तब वो बताते हैं कि बेटा मैंने ये कर्ज करके पैसे तुम्हें भेजे हैं मैंने, और वो पुरखों की ज़मीन नहीं बेची है। वो झूठ बोल जाते हैं कि मेरे बेटे को पता ना चले कि मैंने अपनी पुरखों की ज़मीन बेची है। लेकिन उनका बेटा समझ जाता है कि मेरे पिताजी इतना तो कर्ज ले नहीं सकते बल्कि ज़मीन ही बेची होगी। तब उनका बेटा थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन बाद में खुश हो जाता है। तब वो धीरे धीरे अब वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब वो इतनी तैयारी करते हैं कि करते हैं कि कुदरत भी उनका साथ दे देती है और उनको सफल कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अब जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तब वो इंटरव्यू में भी सफल हो जाते हैं और जो लोग उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि अरे भाई इसको तो पास करना ही पड़ेगा। तब वो लोग उनको पास कर देते हैं। तब उनकी 26वीं रैंक आती है लेकिन वो घर पर जाते हैं लेकिन खुशखबरी लेकर के नहीं, उदास मुंह लेकर के जाते हैं। तब वो अपने घर पर उदास मुंह लेकर के जाते हैं। तब उनके माता पिता सोच में पड़ जाते हैं कि बेटा तुम पास हुए हो या नहीं। तब वो बताते हैं कि पिताजी मैं पास हो गया हूँ और बल्कि 26वीं रैंक आई है। तब इतने में ही जो मीडिया वाले उनकी लिस्ट देख रहे होते हैं यूपीएससी टॉपरों की, तब वो लोग भी
लिस्ट देख कर के उनके घर पर दौड़ते दौड़ते आते हैं, और उनको दौड़ता दौड़ता देख उनके घर पर उनके गांव वाले भी आ जाते हैं। तब वो लोग सभी देखते हैं और मीडिया वाले, अखबार वाले और रिपोर्टर्स, प्रेस वाले सभी लोग उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं। तब वो बहुत ही खुश होते हैं, और जब वो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब वो इंटरव्यू देख कर के उनके रिश्तेदार भी बहुत खुश होते हैं, और उनके पास दूर दूर के रिश्तेदारों की खून की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं बधाइयों के लिए, और उनके माता पिता भी बहुत ही खुश होते हैं। तब उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज हमने जो सपना देखा था वो हमारा सपना साकार हो चुका है, पूरा हो चुका है। तब वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इनका नाम है IAS प्रदीप सिंहा, और ये एक IAS ऑफिसर हैं, यानी कि एक कलेक्टर हैं। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।